हे हेलो गाइस, कैसा हो सब लोग। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आज बड़ा शो टाइम चैनल। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं टाटा टियागो की डिलीवरी लेने के लिए। तो मैंने शोरूम को 10 बजे के आसपास मैंने टाइम दिया था। तो अभी घड़ी में बजे 9 बजे घड़ी में, तो हमको फटाफट से निकलना पड़ेगा। और ये जो मॉडल है ना, वो पेट्रोल मॉडल है, MT और टोनेडो ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट किया था। और ये सारी जर्नी हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं इस गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद। तो चलिए फटाफट से शोरूम पर मिलते हैं। पप्पा ना आशीर्वाद लेजे, पप्पा ना आशीर्वाद पण ले लीधा અને એમની પરમિશન પણ લઈ લીધી। હા, હારું કાર્ય થાય ને ફોર વ્હીલ લઈને આવજે, તારી મનોકામના પૂરી કરે ભગવાન। યસ યસ બસ। હેલો, હાય। તો યે રે દોનો મેમ્બર, એક મેરી વાઇફ ઓર યે મેરી બચ્ચી નિધિ। અભી ઉસકી નીંદ ઉડી નહીં હે, દેખો અભી ભી વો નીંદ મે હે। અભી કિતને બજે હે? અભી 9 બજે ઘડી મે ઓર 10 બજે વહા પે પહોંચના હે। જય ભોલેનાથ, જય શિવ શંકર। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा शोरूम के पास। यहाँ पे ना मैंने सिर्फ दो डॉक्यूमेंट दिया था, एक तो मेरा आधार कार्ड और पान कार्ड, और कुछ नहीं दिया था। बस ये दोनों डॉक्यूमेंट से मेरी गाड़ी बुक हो गई थी। अभी ये रहा टाटा शोरूम सामने, ये रहा टाटा का शोरूम, देखो। यही हो गया, एक लौटी ब्लू कलर, टॉर्नेडो ब्लू कलर। गाइस, ये रही हमारी टियागो टॉर्नेडो ब्लू कलर, और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है इसको चलाने के लिए। वाओ, एसेसरीज लग गई नहीं, पूरी एसेसरीज मस्त है। गरम है? गाइस, अभी हमारी गाड़ी है ना वो क्लीन नहीं हुई थी। हम लोग तो शोरूम के बाहर अपनी गाड़ी देख ली, तो फटाफट से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। तो अभी जो भाई साहब थे ना, वो फटाफट से आए, उनको पता चल गया कि ये लोग आज डिलीवरी लेने वाले हैं। तो वो भाई फटाफट से आए और गाड़ी को क्लीन करने लगे। मेरे को कहा कि रुको रुको, 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप वीडियो शूटिंग करना। तो फिर वापस हम लोग अंदर आ गए। अभी जब क्लीन होगी गाड़ी, तब वापस से हम लोग जाएंगे बाहर और मस्त एक बढ़िया सा सिनेमेटिक व्यू बनाएंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, ये सब गाड़ी का कलर है। मतलब आपको शोरूम के कोई गाड़ी देखने को ना मिले, तो आप ये कलर देख के एज्यूम कर सकते हो कि आपकी गाड़ी किस कलर की कैसे दिखने वाली है। तो हमारा कलर तो ये रहा, देखो टोनेडो ब्लू, नीचे लगा है पंच, लेकिन ये टाटा टियागो का कलर ही है टोनेडो ब्लू। और यहाँ पर थोड़ी एसेसरीज है, और पीछे रहा सीट कवर। शोरूम के अंदर ठंडा क्या ना? अभी सिर्फ 10 बजे, लेकिन जब हम लोग बाहर वीडियो शूटिंग कर रहे थे ना, पसीना पसीना हो गया। ये देखो सामने खड़ी है टिया। अभी ये शोरूम है ना, सब क्लीनिंग हो रहा है। हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए, हमारा जो गाड़ी का मुहूर्त था ना लेने का, वो बहुत ही जल्दी था, इसलिए हमको फटाफट से यहाँ पे शोरूम पे आना पड़ा। और गाइज, ये देखिए, हमने गणपति बापा की मूर्ति ली थी गाड़ी में लगाने के लिए। कितनी ब्यूटीफुल है यार, और ये फुल हार। अभी जैसे गाड़ी में बैठेंगे हम लोग, ये लोग मतलब डिलीवरी ले दे देंगे गाड़ी की, तो हम लोग ये गणपति बापा को वहाँ पे उनकी स्थापना कर देंगे और चढ़ाएंगे ऊपर फुल हार। गाइज, मेरे को गाड़ी का सीट कवर है ना बहुत ही पसंद आ रहा है, और ब्लैक कलर है। जो स्पोर्ट कार होती है ना, उनका जो इंटीरियर एकदम ब्लैक होता है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से तो मेरा जो टाटा टियागो स्टेयरिंग है ना डी कट, वो भी एकदम स्पोर्टी लुक में है। देखते इसके अंदर क्या है।
Congratulations. Thank you. Aniket, thank you so much. Ganpati Bappa. Moriya. Finally guys, मुझे आज पहली बार टाटा टियागो चलाने को मिली और आज हमारी डिलीवरी भी मिल गई। मजा आ रही है गाड़ी चलाने में। इसके पहले मैं तवेरा चला रहा था, अब ये चला रहा हूँ टाटा टियागो। मेरे को लग रहा है कि एक स्पोर्ट कार है। ओ भाई दीदी मजा आ रही है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट। गाइस पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही खतरनाक है। मेरी जो तवेरा थी उसका स्टेयरिंग था एकदम बड़ा था, क्योंकि वो एक एमयूवी कार थी और ये एक छोटी कार है हैचबैक, तो इसका जो स्टेयरिंग है ना एकदम छोटा सा है, लेकिन और एकदम लाइट वेट भी है, और ऊपर से डी कट स्टेयरिंग है ना, तो चलाने में बहुत ही मजा आती है। मस्त है, एकदम स्मूथ गाड़ी है, कोई भी आवाज नहीं आ रही है। मैं जितना भी एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ ना, कोई भी आवाज गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। वाह मजा आ गया चलाने में। मैं ना एक गाड़ी में ले रहा था ना, तो उसके पहले मैंने DDS रवि का रिव्यू देखा था। वो भाई साहब बहुत ही खतरनाक रिव्यू बनाने में, और वो फ्यूल इंजेक्टेड है ना, वो भी रिव्यू बहुत ही मस्त बनाते हैं। ये फटाफट से घर पे पहुंचते हैं, मंदिर पे जाके पूजा भी करवानी है, मम्मी को गाड़ी का दर्शन भी करवाना है, उनको बैठेंगे और बाद में वापस घूमने निकलेंगे। गाइस ये रही मेरी अपाची 204V ब्लू कलर की, और ये रही मेरी नई कार टाटा टियागो, और ये है मेरा घर। गाइस अभी मंदिर में जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करवाने के लिए, और बाकी के 3 मेंबर ये रहे देखो। इन सबको ही ना ऑटो रिक्शा में साथ में आना था, 2 रिक्शा लेके, तो मेरे को लगा नहीं आप घर पे रहो, हम लोग लेके आते, उसके बाद हम जब घर पे आएंगे ना तो घूमने निकलेंगे और गाड़ी की पूजा करवाने मंदिर में जाएंगे। अभी देखते हैं वहाँ पे पंडित जी हो गए या नहीं, वो पूजा कैसे करते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे तो घर पे जाके खुद पूजा कर लेंगे। और ये देखो बच्ची चॉकलेट खा रही है जो शोरूम से दी थी ना, वो अनिकेत भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको गाड़ी की डिलीवरी दिलवाई, और बहुत ही जब से हम लोगों ने वहाँ पे कांटेक्ट किया था शोरूम से वहाँ से लेके अभी तक डिलीवरी तक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। तो अगर आपको टाटा शोरूम वहाँ से आपको गाड़ी परचेस करनी है तो अनिकेत को जरूर मिला, थैंक यू अनिकेत। हाँ करना किया चावी। ओके गाइस हमारी गाड़ी की पूजा हो गई है, अभी हम लोग को निकलने वाले घूमने के लिए, और इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।